दिल्ली में होने वाले आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। शाम 4 बजे होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम के चुनाव के कार्यक्रम और वोटिंग की तारीख का ऐलान हो सकता है। दरअसल नगर निगम का कार्यकाल काफी समय पहले पूरा हो गया है और चुनाव की तारीख में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। दरअसल नगर निगम के चुनाव अप्रैल में होने थे और दिल्ली के तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त एसके श्रीवास्तव 8 मार्च को कार्यक्रम की घोषणा करने वाले थे, लेकिन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ घंटे पहले केंद्र की 3 पूर्ववर्ती नगर निगमों को फिर से जोड़ने की योजना के कारण इस पर रोक लगा दिया गया। मई में केंद्र द्वारा नगर निगमों का पुनः एकीकरण किया गया था और वार्डों के परिसीमन की कवायद जुलाई में शुरू की गई थी। वहीं एमसीडी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने शहर के 10 लाख से ज्यादा परिवारों से संपर्क साधने के लक्ष्य से घर पर संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। जहांगीरपुरी के आजादपुर वार्ड से अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी स्वच्छ इरादों के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करने को प्रतिबद्ध है। दिल्ली में भाजपा के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने बताया कि अभियान के तहत दिल्ली भाजपा के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता आने वाले दिनों में 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों में से प्रत्येक के 100 घरों में जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के कारण आगामी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने साल 2017 की तरह ही अपनी मौजूदा पार्षदों को मैदान में नहीं उतारने का फैसला किया है। आप नेता ने दावा किया कि लोग आगामी एमसीडी चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देंगे। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि वे किसी झांसे में नहीं आएंगे और न ही किसी के बहकावे में आएंगे। वे उनके सभी पार्षदों को सबक सिखाएंगे जो अपनी जमानत राशि भी नहीं बचा पाएंगे। बता दें कि एकीकृत होने के बाद दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर चुनाव होगा। इससे पहले दिल्ली नगर निगम 3 भागों में विभाजित था और कुल 272 वार्ड थे। ताजा परिसमन में वार्ड की संख्या घटाकर 272 से 250 कर दी गई। चुनाव आयोग ने पिछले महीने ही 250 वार्डों की लिस्ट जारी कर दी थी। इसके तहत दिल्ली नगर निगम की कुल 250 सीटों में से 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी। वहीं 50% सीटों पर महिला उम्मीदवारों की दावेदारी है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के सभी जोन के सहायक आयुक्त जोन में चुनाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग के उप निदेशक मेन पावर के लिए सब नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। पूर्वकालिक 3 निगम के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने फरवरी में ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए सभी जिलों में पर्यवेक्षक तक नियुक्त कर दिए थे। चुनाव कराने के लिए बिहार के 12 जिलों से 13,000 ईवीएम मंगाई गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।